नमस्कार, एसीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनय धीमान। आइए अब नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। भाई के बचाव में उतरी मायावती। आर्या पीजी कॉलेज में हवन यज्ञ के साथ किया नए सत्र का शुभारंभ। सफल रही चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग। वंदे भारत का सफल रहा परीक्षण। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भाई आनंद कुमार पर कार्रवाई को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आयकर विभाग ने आनंद कुमार का नोएडा में 400 करोड़ का प्लाट किया जब्त। भाई के बचाव में उतरी मायावती। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती अपने भाई आनंद कुमार पर चल रही कार्रवाई को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल आयकर विभाग ने उनके भाई आनंद कुमार की प्रॉपर्टी यानी कि उनके प्लॉट पर छापा मारा जो 400 करोड़ रुपये का था। आयकर विभाग ने दावा किया है कि उनके भाई आनंद कुमार पर इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई, लेकिन अब इनके बीच मायावती अपने भाई के बचाव में उतरी है। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा सरकार इतनी ही हरिश्चंद्र है तो अपनी प्रॉपर्टी का भी खुलासा करे, जितने उनके पास करोड़ रुपए है उसका भी खुलासा करे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मायावती ने कहा, मोदी शाह की जोड़ी पर इतने पैसे कहां से आए? चुनाव के दौरान 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए, इतना पैसा उन पर कहां से आया? बीजेपी दफ्तर बनाने में करीबन अरबों रुपए की कीमती सामान उनको दिया गया, इतना कीमती प्लॉट उनको दिया गया, इतना पैसा कहाँ से आया, इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसका भी खुलासा होना चाहिए। फिलहाल इस पर आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। इस पर हमारी खास नजर रहेगी। कैमरा पर्सन तमन्ना के साथ मैं रविंदर, एसीपी न्यूज पानीपत। आर्या पीजी कॉलेज में नए सत्र का शुभारंभ हवन यज्ञ के साथ किया गया। हवन यज्ञ में कॉलेज के सभी प्राध्यापक व छात्र मौजूद रहे, साथ ही नए विद्यार्थियों में उत्साह की लहर देखने को मिली। आर्य पीजी कॉलेज में नए सत्र का शुभारंभ एक हवन यज्ञ के साथ किया गया कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन ही नए सत्र का शुभारंभ किया गया। आइए बात करते हैं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता से। नए आए हुए विद्यार्थियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं नव सत्र 2019-20 की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। जो विद्यार्थी आर्य महाविद्यालय परिवार का हिस्सा बने हैं, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जिस एम को लेकर के वो कॉलेज में आए हैं उसे वो पूर्ण करके जाएं। निश्चित तौर पर सभी का ये प्रयास है कि विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में, चाहे वो एकेडमिक्स है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट जो है उन विद्यार्थियों को प्रोवाइड किया जाए। अभी 15 जुलाई तक एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, आज से जो है कक्षाएं शुरू हुई हैं। टाइम टेबल सभी टीचर्स को दे दिया गया है। कॉलेज मैनेजमेंट का, कॉलेज स्टाफ का ये प्रयास है कि विद्यार्थियों को हर बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करवाएं। हर क्षेत्र में बच्चे, चाहे वो एकेडमिक्स है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स है, नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मैं इन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ, लेटेस्ट एजुकेशन टेक्निक्स के साथ और बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स उनको जो है अच्छा मौका देगी ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें और हमारे समाज में जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने में अपना योगदान दे सकें। निश्चित तौर पर भारत देश को अगर आगे लेकर के जाना है, इन युवाओं को अच्छी शिक्षा देनी होगी, अच्छे संस्कार देने होंगे और हम पेरेंट्स और हम टीचर्स को मिल करके प्रयास करना होगा ताकि एक सही राह इन विद्यार्थियों को दिखा सकें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज गुरु पूर्णिमा का दिन भी है, निश्चित तौर पर नव सत्र का प्रारंभ गुरु पूर्णिमा के दिन होना बहुत ही शुभ संयोग है। तो सभी को गुरु पूर्णिमा की भी बधाई व शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर बहुत अच्छा ये सत्र रहेगा, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आर्या पीजी कॉलेज में नए सेशन का आरंभ हो चुका है। नए सेशन में आए हुए बच्चों के चेहरे पर अलग ही उल्लास दिखाई दे रहा है। तो चलिए जानते हैं जनसंचार विभाग के कुछ नए विद्यार्थियों से कि उनका पहला दिन कैसा रहा और उनकी इस कॉलेज से जो उम्मीदें हैं वो पूरी होगी या नहीं। आपका नाम? मेरा नाम रूपल है। आपको जो लगता है कि आप किस कॉलेज से जो उम्मीदें हैं वो पूरी होगी या नहीं? हाँ, मेरी उम्मीदें पूरी होंगी क्योंकि कॉलेज बहुत अच्छा है। आपका पहले दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा पहले दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कॉलेज का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। आपका नाम? मेरा नाम हर्षिता है। आपकी इस कॉलेज से जो उम्मीदें हैं वो आपको लगता है वो आपकी पूरी होगी या नहीं? बिल्कुल पूरी होंगी। ये कॉलेज बहुत अच्छा है और बहुत जो यहाँ के टीचर्स हैं वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? फ्यूचर में न्यूज़ रीडर बनना चाहती हूँ। आपका पहले दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा और यहाँ पर डिसिप्लिन भी बहुत अच्छे से मेंटेन है। आपका नाम? मेरा नाम डिम्पी मल्होत्रा है। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? मैं फ्यूचर में रैपर बनना चाहता हूँ। तो आपने इसी
जनसंचार को क्यों चुना कि आपके रैपर बन पाओगे? मैं जनसंचार इसलिए चुना क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे आज़ादी देता है और मैं खुलेआम कभी भी ये बात और आगे बोल सकता हूँ, लोगों को या सुना सकता हूँ अपनी फीलिंग जो मेरे लिरिक्स है लोग समझ पाएंगे, मैं वो आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये थे जनसंचार के बच्चे जिन्होंने अपना पहले दिन का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। कैमरामैन अनुराग के साथ मैं प्रिया, एसीपी न्यूज़ पानीपत। इसरो द्वारा 22 जुलाई को दोपहर 2:43 पर चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग की गई। लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से की गई। चांद पर यान उतारने वाला भारत चौथा देश है। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसे देश है जिन्होंने चांद पर अपना यान उतारा है। नासा ने भी अपना एक पेलोड इसके साथ लगाया है। 22 जुलाई को दोपहर 2:43 पर चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की गई। इसके लिए 21 जुलाई शाम 6:43 से ही काउंटिंग शुरू की गई थी। इसरो ने 22 जुलाई को दोपहर 2:43 पर चंद्रयान 2 का सफल परीक्षण किया है। इसके लिए आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा नामक स्थान चुना गया। हालांकि पहले 15 जुलाई को इस यान की लॉन्चिंग की जानी थी लेकिन रॉकेट में गैस लीकेज के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। अपनी लॉन्चिंग में देरी होने के बावजूद भी यह अपने निर्धारित समय पर ही चांद पर पहुंचेगा। जहां इसे पहले पृथ्वी के 5 चक्कर लगाकर चांद पर उतरना था, वहीं अब यह मात्र 4 चक्कर लगाकर ही अपने निर्धारित समय 7 सितंबर को चंद्रमा पर उतरेगा। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन चुका है। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस ऐसे देश रहे हैं जिन्होंने चांद पर अपना यान उतारा है। और इस अभियान का महत्व इस बात से पता चलता है कि इसरो के साथ साथ नासा ने भी अपना एक पेलोड इस यान के साथ लगाया है। इससे पहले भी भारत 2008 में चंद्रयान 1 की सफल लॉन्चिंग कर चुका है। कैमरामैन अमन के साथ मैं अभिमन्यु शर्मा, एसीपी न्यूज पानीपत। देश की सबसे तेज चलने वाली रेल वंदे भारत का दिल्ली से कटरा के बीच सफल परीक्षण कर लिया गया है। अब वैष्णो देवी जाने के लिए आम जनता को काफी राहत मिलेगी और समय की भी बचत होगी। देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का सोमवार को सफल परीक्षण किया गया। यह ट्रेन दिल्ली से कटरा के बीच चलाई गई। पहले दिल्ली से कटरा तक के बीच की दूरी 10 से 11 घंटे में तय की जाती थी लेकिन अब ये दूरी 7 घंटे में तय की जाएगी, जिसके कारण लोगों के समय की बचत होगी और इस ट्रेन को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है और इस ट्रेन और दिल्ली से कटरा तक के बीच की अब इस ट्रेन को हफ्ते में 2 दिल्ली से कटरा के बीच चलाया जाएगा। पहले भी वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई जा चुकी है, अब यह दूसरी बार दिल्ली से कटरा के बीच चलाई जाएगी। मैं कैमरामैन आदिल के साथ मैं गरिमा तोमर, एसीपी न्यूज पानीपत। अभी तक के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एसीपी न्यूज पानीपत।